हरे कृष्ण। एक कहावत है कि जीनियस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। जीनियस यानी वो सफल व्यक्ति जो मेहनत करता जाता है बिना रुके बिना थके। महाकवि कालिदास, संस्कृत साहित्य के महान कवि, जो पहले अनपढ़ और महामूर्ख थे, इतने कि जिस वृक्ष की शाखा पर बैठे थे उसे ही काट रहे थे, बिना ये समझे कि ऐसा करने से वो स्वयं नीचे गिर जाएंगे। कैसे हुआ इतना बड़ा परिवर्तन, एक अनपढ़ महामूर्ख से संस्कृत का महाकवि? दरअसल कालिदास का विवाह उनके जीवन की प्रमुख घटना थी। उनका विवाह विद्योत्तमा नाम की राजकुमारी से हुआ। विद्योत्तमा ने प्रतिज्ञा की थी कि जो कोई उसे शास्त्रार्थ में हरा देगा वो उसी के साथ विवाह करेगी। जब विद्योत्तमा ने शास्त्रार्थ में सभी विद्वानों को हरा दिया तो हार को अपना अपमान समझकर कुछ विद्वानों ने बदला लेने के लिए विद्योत्तमा का विवाह एक महामूर्ख व्यक्ति के साथ कराने का निश्चय किया। अब चलते चलते उन्हें एक वृक्ष दिखाई दिया जहां पर एक व्यक्ति जिस डाल पर बैठा था उसी को काट रहा था। उन्होंने सोचा कि इससे बड़ा मूर्ख तो कोई हमें मिलेगा ही नहीं। उन्होंने उसे राजकुमारी से विवाह का प्रलोभन देकर नीचे उतारा और कहा, मौन धारण कर लो और जो हम कहेंगे बस वही करते जाओ। उन लोगों ने उसके सर पर एक पगड़ी बांधी और उसे विद्योत्तमा के सामने प्रस्तुत किया कि ये बहुत बड़े विद्वान हैं, आपसे शास्त्रार्थ करने आए हैं, परंतु अभी मौन व्रती हैं, इसलिए ये हाथों के संकेत से उत्तर देंगे। इनके संकेतों को समझकर हम वाणी में आपको उसका उत्तर बताएंगे। शास्त्रार्थ प्रारंभ हुआ। विद्योत्तमा मौन शब्दावली में गूढ़ प्रश्न पूछती थी जिसे कालिदास अपनी बुद्धि से मौन संकेतों से ही जवाब दे देते। प्रथम प्रश्न के रूप में विद्योत्तमा ने संकेत से एक उंगली दिखाई। कालिदास ने समझा कि यह राजकुमारी मेरी एक आंख फोड़ना चाहती है, इसलिए क्रोध में उन्होंने दो उंगलियों का संकेत इस भाव से किया कि तू मेरी एक आंख फोड़ेगी तो मैं तेरी दोनों आंख फोड़ दूंगा। उन पंडितों ने राजकुमारी से पूछा कि आपका प्रश्न क्या है। राजकुमारी ने कहा कि मेरा प्रश्न है कि परम भगवान एक हैं या अनेक। तब उन्होंने कहा कि ये कह रहे हैं कि भगवान दोनों हैं, साकार भी निराकार भी, इसलिए इन्होंने दो उंगली उठाई। अब राजकुमारी ने दूसरे प्रश्न के रूप में खुला हाथ दिखाया तो कालिदास को लगा कि ये थप्पड़ मारने की धमकी दे रही है। उसके जवाब में कालिदास ने घूंसा दिखाया कि तू यदि मुझे गाल पर थप्पड़ मारेगी तो मैं घूंसा मारकर तेरा चेहरा बिगाड़ दूंगा। पंडितों ने राजकुमारी से पूछा कि इस बार तुम्हारा प्रश्न क्या है। राजकुमारी ने कहा कि पांच इंद्रियां हमें परेशान करती हैं, व्यथित करती हैं, इसका समाधान क्या है। इस पर पंडितों ने समझाया कि मन की सहायता से इन इंद्रियों पर विजय प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार प्रश्नोत्तर से अंत में विद्योत्तमा अपनी हार स्वीकार कर लेती है। शर्त के अनुसार मूर्ख कालिदास और विद्योत्तमा का विवाह होता है। विवाह के पश्चात जब वे महल में बैठे थे तो एक ऊंट वहां से गुजरता है। विद्योत्तमा संकेत में पूछती हैं कि किमेतत, परंतु कालिदास संस्कृत जानते नहीं थे इसलिए उनके मुंह से निकला उतरा उतरा उतरा। उस समय विद्योत्तमा को पता चल जाता है कि कालिदास अनपढ़ हैं। उसने कालिदास को धिक्कारा और यह कहकर घर से बाहर निकाल दिया कि सच्चे विद्वान बने बिना घर वापस ना आना। इस अपमान का कालिदास ने सही उपयोग करने का निश्चय किया। वो काली माँ के मंदिर में गए, सच्चे मन से काली देवी की आराधना की और प्रतिज्ञा की कि एक विद्वान बनकर ही वे वापस आएंगे। तब अगले दिन वे उठे और काशी, जो उस समय विद्वानों की नगरी, विद्वानों के ज्ञान की नगरी कही जाती थी, वहां गए और वहां जाकर ऐसा अध्ययन किया कि न दिन देखा न रात, और ऐसी मेहनत से वे संस्कृत में प्रकांड बन गए। ज्ञान प्राप्ति के बाद जब वे घर लौटे तो उन्होंने दरवाजा खटखटाकर कहा, कपाटम उद्घाट सुंदरी, हे प्रिय द्वार खोलो। विद्योत्तमा ने सुना और पहचान भी लिया, फिर चकित होकर कहा, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, कोई विद्वान लगता है। तब इन तीन शब्दों से जो विद्योत्तमा ने कहे थे, अस्ति कश्चित वाग विशेषः, महाकवि कालिदास ने तीन महाकाव्यों की रचना की, कुमार संभवम, मेघदूतम और रघुवंशम। कुमार संभवम का प्रारंभ होता है अस्ति यानी अस्तयुत्तरस्याम दिशि से,
मेघदूतम का पहला शब्द है कश्चित कांता और रघुवंशम की शुरुआत होती है वागार्थ विव से। तो कैसे पहुंचे वे उस शिखर पर? उद्यम से, प्रयास करके, कोशिश, यत्न करके, बिना थके, बिना हारे। इसी तरह से किसी भी क्षेत्र में सफल होने के लिए, आगे पढ़ने के लिए आवश्यक है कि हम अपनी पूरी कोशिश करें और करते रहें। अभ्यास महत्वपूर्ण है। इस्कॉन के संस्थापक आचार्य भक्तिवेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद कहा करते थे कि इम्पॉसिबल इज द वर्ड इन फूल्स डिक्शनरी, यानी असंभव शब्द केवल मूर्खों के शब्दकोश में होता है। भारत में शुरुआती अनेक वर्षों की नाकामियों से, संघर्षों से, बिना थके, बिना हारे, 70 वर्ष की अवस्था में 2 हार्ट अटैक्स के बावजूद अपने गुरु की इच्छा को पूरा करने के लिए वे अकेले विदेश गए, बिना किसी जान पहचान के, बिना किसी सहयोग के, बिना किसी धनराशि के, और वहां से उन्होंने भगवान नाम को पूरे विश्व में फैलाया। तथा हमारे सनातन धर्म में, इतिहास में और वर्तमान में भी ऐसे अनेकों उदाहरण हैं जिससे हम भली भांति समझ सकते हैं कि जीनियस पैदा नहीं होते, बनाए जाते हैं। धन्यवाद। हरे कृष्ण। ऐसे ही और भक्तिमय कार्यक्रमों के लिए देखिए हरे कृष्णा टेलीविजन। इसे प्राप्त करने के लिए आप अपने केबल अथवा डीटीएच ऑपरेटर से संपर्क करें तथा और अधिक जानकारी के लिए आज ही डायल करें 8767 845 845।